नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम बात इस पर नहीं करेंगे कि कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के बीच क्या बहस हुई, ना ही इसके ऊपर कि भाजपा राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त 35 करोड़ में कर पाई, 40 करोड़ में कर पाई या नहीं कर पाई। ना ही हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना में दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचा भारत कहां जाएगा और किधर जाएगा, क्योंकि यह सब इतनी ज्यादा चर्चा के विषय हैं। इन पर तमाम तरह की बैटिंग दिन रात मीडिया कर रहा है कि हम और आप ना करें तो ही बेहतर। आज हम रुख करेंगे हिंदी पट्टी के दो अहम राज्यों की तरफ, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ बाढ़ का और तीसरी तरफ चुनावी तैयारी का। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, वे बता रही हैं कि भाजपा सहित नीतीश सरकार जिस तरह से कोरोना संकट में भी पूरी देश की मशीनरी को, पूरे प्रदेश की मशीनरी को उसने झोंक रखा है चुनावी तैयारी में, वर्चुअल रैलियों में, उसे कोरोना पूरी तरह से फैल चुका है। इस पर नेशनल मीडिया का ध्यान तब गया जब बिहार सरकार में जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे उमेश रजक, उनकी मौत होती है कोरोना से। इतने सीनियर अधिकारी की बिना इलाज के हुई मौत ने लोगों को डराया। उस तब लगा लोगों को कि बिहार में जो घटित हो रहा है वह सिर्फ भूमिहीन किसान के साथ नहीं, वह सिर्फ एक जो टीचर हैं उनके साथ नहीं, यह किसी के साथ भी घटित हो सकता है और इस पर सरकार की पूरी अनदेखी बनी हुई है। साथ ही साथ असम में जो बाढ़ की स्थिति है जिसमें 100 से अधिक जाने जा चुकी हैं, इस पर भी बहुत कम बातचीत हुई है। इन सब पर बात करने के लिए बहुत जरूरी है सरकार पर सवालिया निशान उठाना, यह निशान उठाना कि नीतीश का विकास कहां गया। जब सड़कें की सड़कें बही जा रही हैं, तब यह सवाल आखिर कौन उठाएगा कि जब कोरोना का खतरा इतना तगड़ा है, तब आखिर भाजपा सहित नीतीश किस तरह से इस राज्य को चुनावी चक्की में झोंकने को तैयार हैं। बिहार में अगर कोरोना की मार है, बाढ़ की मार है, तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की मार है। वही उत्तर प्रदेश जहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, रामराज की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहां रामराज कम से कम गुंडों के लिए तो 100% आ गया है। गाजियाबाद में जो वाकया हुआ, जो कैमरे पर कैद हुआ और जिससे सामने आया कि किस तरह से गुंडे खुले आम एक पत्रकार तक को बख्श नहीं रहे हैं, उस पत्रकार को जिसने अपनी जो भांजी है उसके साथ जो छेड़खानी कर रहे थे गुंडे उनके खिलाफ, 16 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में, पुलिस वाले ने उस पर तो कुछ नहीं किया। और फिर होता यह है कि 20 तारीख को यह पत्रकार जिनका नाम है विक्रम जोशी, यह जब अपनी बेटी के साथ जा रहे थे बाइक पर, उनको रोका गया, उनको मारा गया और फिर चलते चलते उनके सर पर गोली मार दी गई। आप वीडियो देखिए, यहां पर विक्रम की जो बेटी है वह किस तरह से बिलख कर रो रही हैं, मदद के लिए गुहार लगा रही हैं। और यह वाकया चूंकि कैमरे पर कैद हुआ, इससे पता चलता है कि योगी राज में जो रामराज आया है वह कितना चौतरफा है, क्योंकि यह हमला पत्रकार पर हुआ, दिन दहाड़े हुआ, कैमरे में कैद हुआ, इसलिए यहां पर तो कार्रवाई होती दिखाई देती है। यहां पर आनन फानन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरह के अनगिनत मामले पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हम आपको एक और घटना बताना चाहते हैं जो हुई उत्तराखंड में, जहां वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण एक्टिविस्ट राजीव नयन बहुगुणा पर हमला किया गया। दिन दहाड़े उनके घर के पास हमला हुआ और आप फोटो देख रहे होंगे, उनकी आंख पर बहुत चोट आई है, पूरा चेहरा सूजा हुआ है। और इसके बारे में राजीव ने खुद बताया कि यह हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, भाजपा से जुड़े हुए कुछ लोगों ने करवाया। वे लगातार उन्हें फोन पर धमकियां दे रहे थे, वे कह रहे थे कि वे सरकार का विरोध करना उत्तराखंड में बंद करें, नहीं तो उनकी जान के लाले पड़ जाएंगे।
और यह सब खुलेआम सोशल मीडिया पर हो रहा था, जिसके बारे में राजीव नयन बहुगुणा लगातार खुद बहुत बहादुरी से सोशल मीडिया पे लिख रहे थे और इसके लिखने की कीमत उन्हें इस तरह से चुकानी पड़ी। हम आपको बता दें कि राजीव नयन बहुगुणा बहुत लंबे समय तक पत्रकार थे। वे सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत अहम आंदोलन चलाया और खुद राजीव भी इस समय भाजपा सरकार जिस तरह से उत्तराखंड में पर्यावरण का दोहन कर रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है, उन तमाम नीतियों पर कड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यहां सिर्फ एक पत्रकार पर हुए हमले का नहीं, विक्रम जो इस समय गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, हम पूरे दिल से कामना करते हैं कि वह स्वस्थ हो जाए, लेकिन पूरे प्रदेश का जो हाल है, आजमगढ़ के सराय मीर में जो घटना हुई, उससे कम से कम एक बात बहुत साफ है कि दलितों को और खास तौर से दलित महिलाओं को जिस तरह से गुंडा तत्वों ने अपने निशाने पे लिया है, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यह घटना 9 जुलाई की है, शाम 7 बजे की। इस इलाके में जो दलित बस्ती है, वहां की महिलाएं शौच के लिए बाहर जा रही थी। जब वे बाहर पहुंची, पास के जो गुंडे थे उन्हें छेड़ने लगे, जातिगत गालियां देने लगे और विरोध करने पर उनकी पिटाई करने लगे। जब उनकी आवाजें सुन के परिजन उनके वहां पर आए, उनकी भी पिटाई हुई, बड़े पैमाने पे लोग घायल हुए। 65 साल की जो एक महिला है, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है। इस बारे में हमने बात की रिहाई मंच के राजीव से, जो एक टीम लेकर, जांच टीम लेकर वहां पर पहुंचे और उनके जो उन्होंने जो हमें फोटो और वीडियोस देखे हैं, जो आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे, उनसे कम से कम एक बात साफ होती है कि इतना दबाव लगाने के बावजूद पुलिस प्रशासन सही समय पर हस्तक्षेप नहीं करता। FIR हुई, बहुत बाद में FIR हुई और FIR में भी जो मामला बनाया गया वो बहुत ढीला ढाला मामला बनाया गया है, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। यहाँ की गांव की महिलाओं ने हमें बताया कि क्योंकि बरसात के समय जो घर में शौचालय बने हैं उनमें पानी भर जाता है, उनको इस्तेमाल करने लायक नहीं रहते, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है और इसकी वजह से लगातार जो गांव के गुंडा तत्व हैं उन्हें निशाने पर लेते हैं और उन पर जातिगत लांछन लगाते हैं। यह सब कुछ योगी राज में बिल्कुल निर्द्वंद चल रहा है। कहीं से भी कोई टोक, कोई सजा मिलना, किसी की भी कोई नजीर, कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसे अत्याचार, अनगिनत अत्याचारों की कहानियां, वारदातें, क्राइम इंसिडेंट्स हमारे देश में चारों तरफ फैले हुए हैं और ऐसे माहौल के बीच में एक पत्र हमारे बीच आता है जिसे पढ़ा जाना, समझा जाना बेहद जरूरी है। इससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, यह सब हमें अधिकार है, लेकिन यह पत्र दूसरे ढंग का एक परिदृश्य हमारे सामने खड़ा करता है। यह पत्र लिखा है हमारे दौर की बहुत ही अहम लेखिका, विचारक और चिंतक अरुंधति राय ने। यह पत्र उन्होंने लिखा है जेल में बंद, नागपुर जेल में बंद, आजीवन कारावास की सजा झेल रहे प्रोफेसर GN साई बाबा के नाम। प्रोफेसर GN साई बाबा देश की राजधानी दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ाते थे और उन्हें माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वहां पर उन्हें सजा दी गई। वे 90% से अधिक विकलांग हैं। यह पत्र प्रोफेसर GN साई बाबा के नाम है। यह पत्र अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है और यह पत्र इसलिए भी बहुत अहम है कि जिस समय प्रोफेसर GN साई बाबा हूं या वरवरा राव जैसे जो कवि और लेखक, गौतम नौलखा, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, अनगिनत लोग जो राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, भीमा कोरेगांव में जो गिरफ्तार हैं उस मामले में, वे सब अंदर बंद हैं। ठीक उसी समय इस देश में एक ऐसे व्यक्ति को आजाद किया जाता है जो दुर्दांत आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया जाता था, देवेंद्र सिंह, शायद आपको याद आया हो। ये वही पुलिस अधिकारी है जिसे जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था दिल्ली चुनाव से ठीक पहले। वह दिल्ली आ रहा था इन आतंकवादियों के साथ। ये आतंकवादी बेहद ही खतरनाक थे, यह खुद पुलिस अधिकारियों का कहना था। जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे गिरफ्तार किया था उन्होंने खुद कहा था कि इसके साथ आतंकवादियों जैसा ही सुलूक किया जाना चाहिए, लेकिन देखिए यह व्यक्ति आज छूट चुका है, जेल में नहीं है। इसकी रिहाई के लिए किसी ने भी
जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विरोध नहीं किया। ये बहुत ही खामोशी से, आराम से रिहा हो गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। और इस संदर्भ में अरुंधति का यह लेख पढ़िए, तब पता चलता है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वह किस तरह से जनता के पक्ष में आवाज उठाने वालों के खिलाफ है। यह पत्र बहुत ही गद्यात्मक है, पॉलिटिकल विजन के साथ है। यह शुरू होता है उनके उपन्यास के एक किरदार के साथ, फिर धीरे धीरे घूमते हुए पहुंचता है उनके घर, प्रोफेसर जी एन साई बाबा, उनकी पत्नी वसंता के पास, और फिर जिक्र आता है यहां पर वरवरा राव का, वरिष्ठ कवि वरवरा राव का, जो इस समय जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में। और यहां पर अरुंधति बहुत ही अहम बात कहती हैं कि वरवरा राव का जेल में होना उस तरह से होना है जैसे एक मॉडर्न मॉन्यूमेंट का जेल में होना। दोस्तों, वरवरा राव बहुत ही गंभीर स्थिति में इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजन और उनकी रिहाई के लिए अलग ढंग की लड़ाई चल रही है, अदालत में बात चल रही है, हम उन सब डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन यहाँ जो एक आस की किरण हमें दिखाई देती है अरुंधति के पत्र में और वरवरा राव की कविता में, वह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अरुंधति ने सही कहा है कि ये जो अन्याय का दौर है, यह हमेशा यूं ही जारी नहीं रह सकता, और शायद यही बहुत बड़ी आशा है कि जो जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ बोलने वाले लोग लगातार जिंदा रहेंगे। आज हम अपने कार्यक्रम का समापन वरवरा राव की एक प्रसिद्ध कविता के कुछ अंश के साथ कर रहे हैं। वैसे ही छिपाए कह दो वह बात जिससे धड़के सबका दिल, सुगंधों से भी जब खून टपक रहा हो, छिपाया नहीं जा सकता उसे शब्दों की ओट में, जख्मों को धोने वाले हाथों पर भीग भीग कर छाले पड़ गए हैं, और तीर से निशाना साधने वाले हाथ, कमान तामने वाले हाथ, जुलूस के लहराते हुए झंडे बन गए हैं। जीवन का बुत बनाना, जीवन का बुत बनाना काम नहीं है शिल्पकार का, उसका काम है पत्थर को जीवन देना। मत हिचको ओ शब्दों के जादूगर, जैसा जो है वैसा कह दो ताकि वह दिल को छू ले। उम्मीद है हम आपके दिल को और लोकतंत्र की नब्ज को ऐसे ही छूने में कामयाब होंगे। शुक्रिया।